बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैलकुलस की एक्सरसाइज है 4.5 और पहले 10 क्वेश्चन पेपर इजी हैं, बच्चों वाले हैं। और आज का लेक्चर नंबर, ये अभी दो लेक्चर बीच में हैं, ये 11 या 12 हो जाएगा, इसको मैं 12 का नाम ही दे रहा हूँ। और ये है डेफिनेट इंटीग्रल की, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, और ये है इंटीग्रल -2 to 4 5 dx। क्या करेंगे हम, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 5 की इंटीग्रेशन आ जाएगी 5x और -2 से 4। डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करते, 5 लिखेंगे, पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे 4, और माइनस के साथ फिर नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 4 प्लस 2 4 प्लस 2 होता है 6, तो आंसर आ जाएगा 30। एक्चुअली यहाँ पे बुक वाला एक प्रैक्टिस करवाना चाह रहा है, एक थ्योरम है, वो ये वाली है a to b c d x। इसमें सिर्फ अकेला कांस्टेंट है फंक्शन की जगह पे, तो इसका आंसर आता है c b माइनस a। वैसे भी अगर हम इसको सॉल्व करें, a to b c d x को, मैं c को बाहर ले लेता हूँ, a to b d x, और जब इसकी इंटीग्रेशन आएगी तो x आएगी, और यहाँ लिखेंगे a to b, तो c तो इधर रहेगा, पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे फिर नीचे वाली, ये हमारा आंसर। इसी चीज़ को सामने रखते हुए हमारा क्वेश्चन नंबर है 4 है, 4 माइनस 3 dx। उसी तरह यहाँ पे देखें, अगर आप चाहें तो ऊपर -3 है, नीचे 4 है, चेंज करना है कर लें, चेंज करेंगे तो बाहर इसको माइनस आता है, -3 to 4। ना भी करें तो ये देखें, जैसे अभी हमने रूल पढ़ा है उसके लिहाज से इसका आंसर आ जाएगा 4 माइनस -3, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3, क्या आ जाएगा -7। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे -3 to 4 dx, तो फिर भी -x आएगा, -3 4, और x की जगह पे फिर आप पुट करेंगे 4 माइनस -3, तो फिर भी हमारे पास क्या आएगा -7। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में स्टेटमेंट है 2 से 2 100 dx, तो ये 100 वैसे ही रहेगा, पुट करेंगे 2, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, 2 माइनस 2, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। वैसे भी जब ऊपर नीचे लिमिट एक ही हो तो फिर आंसर उस केस में 0 आ जाया करेगा। अगले 4 क्वेश्चन हैं, उनकी स्टेटमेंट अलग है, वो भी इजी है, वो है क्वेश्चन नंबर 7 to 10। इसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ 1 to 4 x k d x 21 है, और 1 to 4 x d x है 15/2। वैसे भी इसको सॉल्व करें, x³/3 पुट करें लिमिट, तो यही आंसर आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी यही आता है, लेकिन वो यहाँ इनकी एप्लीकेशन खाना चाह रहे, कहते हैं दोनों को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 7 से 10 सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 1 से 4 3 x² + 5 dx, तो क्या करेंगे, इसे कर लेंगे 1 से 4 3 x² dx और 1 से 4 5 dx। इसमें मैं 3 बाहर ले लूँगा, 1 से 4 x² dx, या 5 बाहर लेने ले लेनी थी, लेकिन जो हमने अभी सीखा है 5 वैसे ही, और इसका आ जाएगा 4 माइनस 1। इसकी वैल्यू बुक वाले ने हमें दे दिया, और वो कितनी दी है 21 प्लस 5 × 3 21 × 3 होता है 63, 5 × 3 15, तो हमारा आंसर आ जाएगा 78। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8 9 10, सारे इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 8 क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रल 1 to 4 6 x - 1 dx, इसको भी उसी तरह कर लेंगे, 1 to 4 6 x dx
माइनस वन टू फोर वन डी एक्स, इसको सिक्स को बाहर ले आएंगे क्या बचेगा, वन टू फोर एक्स डी एक्स और ये वन टू फोर डी एक्स, इसकी वैल्यू हमें दे दी गई है, कितनी दी गई है, 15/2 और ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 1, ये कट जाएगा 3 के साथ, कितना आएगा 45 और माइनस 3 हमारा आंसर क्या आ गया 42। फिर 9 आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 1 2 4 3x + 2 का स्क्वायर डी एक्स, अब स्क्वायर के साथ हमें उसने कोई वैल्यू नहीं दी तो क्या करेंगे हम इस स्क्वायर को खोल लेंगे, ये आएगा 9x के 3 2 6 12x और प्लस 4 dx, इसे फिर हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 9 बाहर में कर लिया एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर ये 12 है 1 2 4 x dx और ये 4 और 1 2 4 dx, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है 21, इसकी वैल्यू दी गई है 15/2 और इसे कर लेंगे 4 × 4 - 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 1 = 9 9 2 = 18, ये 12 2 से कटेगा 6 आएगा 9 15 के साथ 90 और यहाँ कितना आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 189 90 में मैंने 12 ऐड कर दिया 102 और ये ऐड होके आ जाएगा 291। अब हमारे पास है क्वेश्चन 11 से 16, यहाँ करने से पहले एक थ्योरम है वो यूज़ करेंगे हम हर सवाल में और वो देख लें ज़रा कि इफ़ थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट है या मैं लिख देता हूँ थ्योरम टी इफ़ एफ इज इंटेग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए वा बी एंड एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए वा बी, इस इंटरवल में फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे वैल्यू लें तो वो क्या आती है, ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव, तो जब ये पॉजिटिव है पूरे इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू 0 या ग्रेटर देन 0 है, तो फिर इस इंटरवल में जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव होगा। इसको सामने रखते हुए हमने करने हैं क्वेश्चन 11 से 16 और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, मैं इनकी स्टेटमेंट लिख दूं आपको, स्टेटमेंट है वेरीफाई द इनइक्वालिटी विदाउट वैल्यूएटिंग, हल नहीं करना सॉल्व नहीं करना विदाउट वैल्यूएटिंग द इंटेग्रल, इंटेग्रल को सॉल्व किए बिना हमने, और ये हमने करना है क्वेश्चन 11 से लेके 16 तक। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 क्वेश्चन है 1 से 2 3x² + 4 dx, प्रूव हमने करना है ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 से 2 2x² + 5 dx, एक तो ये है इसको सॉल्व कर लें इसका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लें इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व नहीं हमने करना, तो हम जो है इसको इस तरह करेंगे कंसीडर, जब वी टेक 3x² + 4 > 2, तो जब हम ये लेंगे तो 2x² इधर आएगा इसमें से माइनस हो के x² रह जाएगा, 4 इधर जाएगा इसमें से माइनस हो के क्या आ गया ये 1, और हमारा इंटरवल क्या है, इंटरवल भी हमारा आ क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है,
तो एक्स की जो वैल्यू है हमने लेनी है मिनिमम वन लेनी है और वो भी इधर से। तो यहाँ पे देखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर ग्रेटर दैन वन टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बोथ द इम्प्लीकेशन एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन वन ऑन द इंटरवल वन व टू। एक्स की वैल्यू हमने इस इंटरवल में ली है, जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन और इक्वल टू वन है तो हमारे पास ये चीज़ आ रही है कि ये चीज़ जो है इससे ग्रेटर दैन है, और जब ये चीज़ इससे ग्रेटर दैन है तो इट इम्प्लाइज दैट उसी इंटरवल में वन से टू थ्री एक्स के प्लस फोर डी एक्स ये आ जाएगा ग्रेटर दैन वन से टू टू एक्स के प्लस फाइव डी एक्स। ये तो था क्वेश्चन नंबर 11। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 की स्टेटमेंट है 1, 2, 4 टू एक्स प्लस टू डी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1, 2, 4 थ्री एक्स प्लस वन डी एक्स। इसमें भी हम उसी बात को पकड़ेंगे, ये लेस देन है ये ग्रेटर देन है, तो हमने ग्रेटर देन को पकड़ना है। तो आप देखें थ्री एक्स प्लस वन ये हम सपोज कर लेते हैं ले लेते हैं ग्रेटर देन टू एक्स प्लस टू। जब ये लेंगे तो यहाँ से देखें थ्री एक्स ये इधर आके क्या रह जाएगा टू एक्स, तो क्या बचा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन ऑन वन व फोर। या फिर मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, इट इम्प्लाइज दैट थ्री एक्स प्लस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू एक्स प्लस वन बोथ। अब इसी को हमने सॉल्व किया तो ये आया, जब इससे ये आया तो इधर आ जाएगा बोथ द इम्प्लीकेशन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन ऑन वन टू फोर। और एक्स की वैल्यू भी हमने क्या लेनी है, लेनी है मिनिमम वन, हमारे पास इंटरवल भी वन से स्टार्ट हो रहा है और वो आ भी गई है, यानी कि ये नहीं कि हम एक्स की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं या वन से लेस देन ले रहे हैं। तो जब ये चीज़ आ जाएगी तो इट इम्प्लाइज दैट हम इसको इस तरह लिख सकते हैं इंटेग्रल वन टू फोर थ्री एक्स प्लस वन डी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन टू फोर टू एक्स प्लस टू डी एक्स। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड पे लिख लें वन टू फोर टू एक्स प्लस टू डी एक्स, तो साइन ये चेंज हो जाएगा फिर वन से फोर थ्री एक्स प्लस वन डी एक्स। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, और 13 है हमारे पास इंटेग्रल टू टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट डी एक्स। हमने प्रूव करना है कि ये लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो है, और इंटरवल क्या लेना है टू से लेके फोर तक। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट के फैक्टर बन रहे हैं, वो क्या बन रहे हैं एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस फोर, और इंटरवल हमने लेना है ऑन टू व फोर। अब ज़रा थोड़ा सा ख्याल करें, जब टू लिखेंगे तो ये ज़ीरो हो जाए, फोर लिखेंगे फिर भी ज़ीरो, अब टू पे भी ज़ीरो है फोर पे भी ज़ीरो है, तो बाकी जो वैल्यू है वो हमने लेनी है टू से ग्रेटर, 2.1 ले लें 2.2 ले लें 2.5 ले लें 3 ले लें 3.7 कुछ ले लें। अगर मैं लेता हूँ 3, क्या ले लेता हूँ 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस टू और 3 माइनस फोर। 3 माइनस टू क्या होता है हमारे पास 1, माइनस 1 क्या आ गया लेस देन ज़ीरो। तो ये जो पूरा फंक्शन है ये वाला इस इंटरवल में क्या आया है लेस देन ज़ीरो। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इज लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो ऑन टू व फोर। और हमने थ्योरम वो पढ़ी थी जिसमें आता था ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, इट इम्प्लाइज दैट नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, तो जब इसको नेगेटिव से करेंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इट इम्प्लाइज दैट वो इंटरवल है टू से फोर, तो हम लिखेंगे
टू से फोर नेगेटिव एक्स के माइनस सिक्स एक्स प्लस ए डी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। इस नेगेटिव को ले आए आप बाहर, टू से फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस ए डी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, या फिर हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस ए डी एक्स लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो। फिर है, ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। फिर मैं चलता हूँ 14 पे, और 14 पे मेरे पास है 2 से लेके 4 फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। अब देखिए 13 में हमने फैक्टर बना लिए थे, इसके फैक्टर हमसे नहीं बन रहे, तो हम क्या करते हैं, हम इसको लिख लेंगे लेट एफ ऑफ एक्स फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लें, क्या आएगा 10x माइनस वन। अब इंटरवल है हमारे पास 2 से 4, 2 लिखेंगे तो आएगा 20 माइनस वन, 3 लिखेंगे 30 माइनस वन, 4 लिखेंगे 40 माइनस वन, 40 माइनस वन 39 होता है, 30 माइनस वन 29, तो f डैश ऑफ x हमारे पास आएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो ऑन 2 और 4। और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, इट्स इट इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, और एंड इज पॉजिटिव भी मैं लिख रहा हूँ इस इंटरवल में लिखें, इसकी मिनिमम इंक्रीजिंग भी है, ये नहीं है कि -10 -9 -8 इस तरह इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग भी है और उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, एंड इज पॉजिटिव, तो सो एफ एक्स क्या आ गया ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो आ गया। जब एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो है तो इट इम्प्लाइज दैट फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन क्या आया ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो ऑन टू व फोर, और जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो है तो इट इम्प्लाइज दैट टू टू फोर फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, यही हमने प्रूव करना था। अभी इसके दो क्वेश्चन और हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री के हैं, तो वो ज़रा लेक्चर जो है वो लेंथी हो जाएगा, तो 14 के बाद हम कल चलेंगे और इंशाल्लाह 15 से लेकर 22 तक कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।